घर में जो तनाव रहता है, घर में जो क्लेश रहता है, उससे मुक्ति मिलने के चांसेस भी बन जाएंगे। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके लिए हमारी तरफ से। एक SMS हमें और मिला है डॉक्टर साहब, ये आया है हमारे पास भरतपुर राजस्थान से, और उनकी जन्मतिथि है 23 सितंबर 1978, 23rd ऑफ सितंबर 1978, 6:15 सुबह के, 23rd ऑफ सितंबर 1978, 6:15 मॉर्निंग, भरतपुर में जन्म हुआ है। आज कुछ ऐसा संयोग है कि करियर से संबंधित और उसमें भी जो वैवाहिक जीवन में जो तनाव है उससे संबंधित प्रश्न ज्यादा आए हैं, ये प्रश्न भी कुछ ऐसा ही मिलता जुलता है। इन्होंने पूछा है कि ये मेंटली डिस्टर्ब हैं अपनी परिवार की तरफ से, और जो शादीशुदा जिंदगी है उसमें भी इनका बड़ी परेशानी इनको झेलनी पड़ रही है, और जानना चाहते हैं कि भविष्य कैसा रहेगा। नाम है रितेश, भरतपुर राजस्थान से, 4892 लास्ट डिजिट है इनका। देखिए, इनकी जहां तक शादीशुदा जिंदगी है, इनका शुक्र राहु के साथ कलह रहेगी, शादीशुदा साधारण कलह प्रिय है इनकी वाइफ, वो रहेगी, मगर ये अपने वाइफ को छोड़ नहीं सकते, इनका अलग जो भी अलग उनका नहीं हो सकता, उनका जो वर्चस्व है इनकी वाइफ का उससे बाहर नहीं निकल सकते, वो वहीं रह के इनको रहना पड़ेगा, और इसीलिए डिवोर्स या ये सब चीजें इनकी पत्री में नहीं है। और क्या पूछा इन्होंने? जी बस यही इन्होंने पूछा है कि हम ये जो क्लेश रहता है घर में, और इनका जो अपनी पत्नी के बारे में पूछा है कि घर में जो है तालमेल नहीं बनता है, या और करियर का अपना भविष्य कैसा रहेगा, दो तीन चीजें जाननी चाहिए। और भविष्य इनका अभी इस साल से पॉजिटिव चलेगा, 2 साल तक अच्छा टाइम है, 4 साल बाद ये नौकरी बदलेंगे और उसके बाद और अच्छा समय आएगा इनका। रितेश जी, बहुत सारी चीजें आपको बताई गई, आप इसी हिसाब से इस पर ध्यान रखिए और इसी प्रकार आपके जीवन की गति आगे बढ़ेगी। आप ज्योतिष विज्ञान के माध्यम से आपने जो परामर्श लिया है, वैसे ही उसी तरह से आप अपने आप को निर्धारित करें तो जिंदगी वैसे ही कटेगी आपकी। हमारे साथ एक और दर्शक जुड़े हैं, जटाशंकर जी मुंबई से, उनको शामिल करते हैं। हेलो। हाँ सर, स्वागत है आपका भृगुनाली ज्योतिष में। थैंक यू सर। अपने बारे में जानना चाहते हैं? हाँ, मैं अपने जन्म की तिथि, जन्म का समय और स्थान बताइए। जन्म मेरा बिहार में हुआ है, शाम का 4 बजे। जन्म की तिथि बताइए। 2/4/1969। 2 अप्रैल। हाँ सर, 1969। हाँ जी। आप समय बताइए, कितने बजे जन्म हुआ आपका? 4 बजे। 4 बजे। 4 बजे सुबह के कि शाम के? शाम के 4 PM। 2 अप्रैल 1969 4 PM। और स्थान बिहार में क्या जिला पड़ता है आपका? जिला पड़ता है मधुबनी। मधुबनी। हाँ जी, मधुबनी बिहार में जन्म हुआ है। क्या पूछना चाहते हैं जटाशंकर जी? सर, मेरा लाइफ काफी स्ट्रगल चल रहा है, मेरा अच्छा समय कब आएगा? और मेरा एक अपना एक हॉबी है, मैं लॉटरी खेलता हूँ कभी कभी। लॉटरी खेलते हैं? हाँ सर, तो उसमें सफलता मिलेगी क्या कभी? लॉटरी तो बिल्कुल मत खेलिए, आपका अभी बहुत लॉस हो जाएगा। डॉक्टर शंकर जी कुछ कह रहे हैं, सुनिए जटाशंकर जी। मतलब आपके हॉरोस्कोप में तो ये है कि लॉटरी खेलना और उससे मतलब अपना बहुत अपना घर का पैसा भी लगा देंगे और आपका बहुत लॉस होगा, ये आपके डेस्टिनी में लिखा है, मगर हमारे कहने से तो आप नहीं छोड़ेंगे, तो आप खेलते रहेंगे। तो ये है, मगर इसको ना ही खेलिए तो अच्छा है। और कुछ पूछना चाहते हैं इसके अलावा? मेरा लाइफ लाइन कैसा रहेगा, मेरी प्रोग्रेस कभी होगी? आपकी प्रोग्रेस कब होगी, लाइफ लाइन कैसा रहेगा, ये पूछना चाहते हैं। जिंदगी की गाड़ी पटरी पर कब आएगी? लाइफ लाइन आपका समय अच्छा आने वाला है, और आपका मतलब 2009 मार्च के बाद समय अच्छा है, और 2-2.5 साल का समय अच्छा है, उसको पूर्ण तरह से उसका यूज करिए। ये साल है, थोड़ा सा आप केयरफुल रहिएगा कि आप अगर आपने कोई लॉटरी या किसी भी पैसे में कुछ लगाया तो आपका निश्चय रूप से बहुत ज्यादा लॉस हो जाएगा, मगर अगर आप नौकरी कर रहे हैं तो ये साल बहुत अच्छा है और अगले साल भी बहुत अच्छा है। तो आप क्या करते हैं, नौकरी करते हैं कि नहीं करते हैं? कहीं जॉब करते हैं आप? नहीं करते होंगे। संबंध विच्छेद हो गया हमारा जी। आपको बताया गया कि आप किस प्रकार आने वाले समय में आपका समय अच्छा होने वाला है, उसका ख्याल रखिए और उसी प्रकार अपनी योजनाएं बनाइए। मित्रों, यदि आप भी कुछ पूछना चाहते हैं अपने बारे में, अपने भूत भविष्य या वर्तमान के बारे में कोई प्रश्न आप पूछना चाहते हैं डॉक्टर शंकर अडावल जी से, तो भृगुनाली ज्योतिष कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आप टेलीफोन के माध्यम से हमसे बात कर सकते हैं, हमारे विशेषज्ञ शंकर अडावल जी से पूछ सकते हैं अपने सवाल, या भेज सकते हैं हमें SMS। अपने मोबाइल में टाइप कीजिए नाली NADI, दीजिए स्पेस, आपकी जन्म की तिथि, जन्म का समय, जन्म का स्थान, आपका सवाल, आपका नाम, अभी भेजिए 57575 पर। अभी वक्त है छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। एक मिनट का ब्रेक है, चलो ठीक है, ये लास्ट ब्रेक है ना सर।
आपका ना टोटल प्रोफाइल हो जा रहा है तो थोड़ा सा ऐसा जहाँ जैसा बोल जैसा बोल गौतम अभी ठीक है। अरे वो एसएमएस तो रहेगा यार, ऊपर से क्या मशीन ला अपना, मेन कैमरा नहीं काम कर रहा तुम्हारा क्या? ऊपर ये क्या लगाया हुआ आज? ये अच्छा, जब शॉर्ट होता है ना तो लाल चलेगी वो। अच्छा, जब लाल चले इसका मतलब आप पे है उस समय कैमरा। अच्छा, बीच में ऐसा करते हैं सर, एक दिन कर ही लेते हैं शो, दूसरा बताइए रिकॉर्ड कर लेते हैं वो ज्यादा बढ़िया रहेगा। मैं फ्राइडे को जाऊंगा, फ्राइडे जाएंगे तो कभी भी पहले आप थर्सडे कौन है? हैदराबाद से आप काउंटडाउन स्टार्ट। कौन है? मंजू हैदराबाद। मंजू ठीक है, मंजू हैदराबाद ठीक है। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 प्रभुनाली ज्योतिष में एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत। हमारे साथ हैं डॉक्टर शंकर अडावल जी। आप उनसे अपनी जिंदगी के प्रश्न पूछ सकते हैं, आपकी जिंदगी में क्या घटने वाला है, भूत भविष्य और वर्तमान के बारे में ज्योतिष विज्ञान क्या कहता है, इस बारे में आप परामर्श ले सकते हैं। हमारे टेलीफोन नंबर पर आप हमें फोन कीजिए या कीजिए हमें SMS। अपने मोबाइल में टाइप कीजिए नाड़ी NADI दीजिए स्पेस, जन्म की तिथि, जन्म का समय, जन्म का स्थान, आपका सवाल, आपका नाम अभी भेजिए 57575 पर। आप जो विवरण हमें देते हैं उसके आधार पर डॉक्टर शंकर अडावल जी बनाते हैं आपकी खास जन्म कुंडली, उसका करते हैं विश्लेषण और आपको बताते हैं आपका भूत भविष्य और वर्तमान। ब्रेक पर जाते समय हमारे साथ दर्शक जुड़ी थी डॉक्टर साहब मंजू जी हैदराबाद से, उनको शामिल करते हैं। हेलो। हेलो, मैं मंजू बात कर रही। नमस्ते जी। नमस्कार, आपका स्वागत है भृगुनाली ज्योतिष में। मैं अपनी बेटी उषा किरण के बारे में जानना चाहती हूँ। अपनी बिटिया की उनकी जन्म तिथि बताइए। ओके, उनका जन्म है 12 दिसंबर 1997। हाँ, शाम में 5:45 5:45 PM उदगीर महाराष्ट्र लातूर जिला। लातूर? हाँ, लातूर के पास उदगीर है। उदगीर जिला लातूर पड़ता है। जिला लातूर। 5:45 PM 12th of December 1997 छोटी बच्ची है भी, उसके बारे में जानना चाहते हैं। 11-12 साल की बच्ची है, लातूर में जन्म हुआ है महाराष्ट्र। मंजू जी क्या सवाल है उसके बारे में, बच्ची के बारे में? मेरे बेटी का भविष्य कैसा रहेगा? भविष्य कैसा रहेगा? अभी छोटी बच्ची पढ़ती है ना अभी तो? नहीं, वो जिद्दी है, वो पढ़ाई में आगे बढ़ेगी। और किस क्षेत्र में डालना उसे? जिद्दी है बच्ची, पूछना चाहती है किस क्षेत्र में भेजे, कहाँ उसका करियर अच्छा बन सकता है। मंजू, पर ऐसे क्षेत्र में जहाँ लोगों से बात बात करना रहे, पब्लिक डीलिंग रहे, बात करे, और इसका जो भाग्य अच्छा है आप परेशान ना हो, और ये बाहर भी जाएगी, फॉरेन कंट्री भी जाएगी। मंजू जी कई सारी चीजें हैं आपकी सुपुत्री के लिए, बाहर विदेश भी जाने के योग बनते हैं, अच्छी पढ़ाई भी करेंगी, और ऐसे क्षेत्र में भेजिए जहां लोगों से जनसंपर्क की स्थिति बनती हो, लोगों से बातचीत का दायरा जहां शुरू होता है। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपकी पुत्री के लिए हमारी तरफ से भी। एक SMS डॉक्टर साहब हमें मिला है अभी अभी, ये आया है पूर्णिया बिहार से, नाम है दिलीप कुमार, जन्मतिथि है 11th of May 1968 जी 11 मई 1968 4:04 शाम के 11th of May 1968 4:04 शाम के, और जिला इनका पड़ता है पूर्णिया। 16:04 16:04 शाम को, और समय है इनका, स्थान है पूर्णिया बिहार। शादी के बारे में जानना चाहते हैं और नौकरी के बारे में जानना चाहते हैं कि नौकरी कब लगेगी। नाम है दिलीप कुमार, पूर्णिया बिहार। क्या जाना था? शादी, शादी के बारे में, शादी कब होगी? शादी में इनका विलंब है, शादी में विलंब है, और इनकी जो शादी में विलंब है, और शादी 2 साल बाद होगी, और शादी में विलंब है, शादी में विलंब है, और रिलेशनशिप्स में इनको नुकसान होगा जी। अगर किसी से रिलेशनशिप करेगा उस पर नुकसान होगा। और जहां नौकरी के बारे में, नौकरी का सवाल है 7, 8, 9, 10 अगर इस साल ये इनको बड़ा, इस साल के समय टेंशन में है ये कि क्या करें, कुछ भय है ना, बहुत ज्यादा भय है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, हमको हट जाना चाहिए, मगर वो अभी भय में रहें और अपना सर नीचे करके नौकरी करें, और जो भी सोचें वो फिर सितंबर 2009 के बाद ये चेंज करने की सोचेंगे तो अच्छी चेंज भी मिल जाएगा, मगर 2009 सितंबर अक्टूबर तक अपने भय को अलग हटाएं और आराम से बैठ के नौकरी करें, सितंबर के बाद ही कुछ चेंज करें। कुछ उपाय इनको बताना चाहेंगे?
कोई चीज, कोई तोड़, कोई पूजा पाठ या कोई रत्न वगैरह? ये अगर